और मैं विधायक बना हूं तो मेरे से भी सवाल पूछने का लोगों को हक है। जिस प्रकार मैं लोगों को, मैं मुख्यमंत्रियों से सवाल पूछता था, दूसरों से सवाल पूछता था, तो अब आप जिम्मेदार विधायक हैं। भले ही आपको उत्तराखंड लिखना नहीं आता, लेकिन आप अब विधायक बन गए हमारे राज्य के, तो आपसे और पत्रकार भी सवाल पूछेंगे और उनके जवाब आप अपने भले ही फेसबुक पेज में दें या हमें बुलाएं। हमने तो संपर्क किया था, हमने आपके दो करीबियों से संपर्क किया था और आपसे जानना चाहा था कि जो आपका नाम वीआईपी सूची में दर्ज हो रखा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। पर आप जब विधायक बन गए हैं तो आपके पास समय भी नहीं है हम पत्रकारों के सीधे सीधे जवाब देने का, इसलिए हमने खबर के माध्यम से सवाल पूछा। लेकिन आप उस सवाल से नाराज इतना हो गए कि कमेंट अपने फेसबुक में लिखते हैं कि आखिर ऐसे पत्रकार पैदा कैसे हो गए। उत्तराखंड बनाने में जिन आंदोलनकारियों ने अपनी जान तक गंवाई, अपनी अस्मत तक लुटाई, उनको आज उत्तराखंड राज्य का एक विधायक देखकर शर्म भी आती होगी, कहीं ना कहीं खून के आंसू भी आते होंगे कि ये विधायक को जब उत्तराखंड लिखना नहीं आ रहा है, उत्तराखंड में राह भी आता है ये लिखना नहीं आ रहा है, तो आखिर ये कैसे देवभूमि की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। भले ही बात बड़ी बड़ी कर रहे हों पर उसके समाधान के लिए आपको कम से कम उसकी भावनाओं से, राज्य की भावनाओं से और उन आंदोलनकारियों की स्मृति से भी जुड़ना पड़ेगा। यही नहीं, कुछ दिनों पहले हमने एक खबर की थी जिसमें हमने टाइटल बनाया था कि क्या इसे ब्लैकमेलिंग नहीं कहेंगे विधायक जी। उस पर हमने एक सवाल पूछा था विधायक जी से कि आखिर जब पुष्प ने अंकिता भंडारी वाले मामले में एसआईटी ने एक सवाल पूछा था मुख्य गवाह पुष्प को कि ये वीआईपी कहीं आप तो नहीं हैं, उसका जवाब जानने के लिए कि उसके बाद आखिर क्या हुआ जब आप कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ चाय पीते हैं और मौन हो जाते हैं। मात्र एक छोटा सा सवाल था और आप उसमें हमें ये जवाब देते हैं कि क्या ऐसे भी पत्रकार होते हैं। तो क्या हमें पत्रकार बनने के लिए विधायक जी आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, पहले आप ये बताइए हमें। यानी कि पत्रकारिता में सवाल पूछना उतना ही ज़रूरी हो जाता है, अहम हो जाता है, जिस प्रकार आप खुद जब उत्तराखंड आकर 2010 से पत्रकारिता शुरू करते हैं और सवाल मात्र पूछते हैं, निशंक से, हरीश से, त्रिवेंद्र से, धामी से नहीं पूछते, कोश्यारी से नहीं पूछते और उसके कैलाश विजयवर्गीय जी से भी नहीं पूछते कि आखिर मेरा नाम वीआईपी की सूची में आया कैसे, तो क्या हम आपसे सवाल नहीं पूछ सकते कि आप उन लोगों के साथ कैसे चाय पी रहे हो जिन लोगों की सरकार आपको एसआईटी के माध्यम से फंसाना चाह रही है, और आप कह रहे हैं कि ऐसे पत्रकार भी पैदा हो जाते हैं जो पत्रकार आपसे सवाल पूछेंगे, क्या ऐसे पत्रकार नहीं होने चाहिए थे देवभूमि में पैदा। अब हम आपको खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। विगत एक हफ्ता के अंदर अंदर हमने एक खबर लगाई थी जिस खबर के माध्यम से हमने सवाल पूछा था, उस खबर के सवाल को आप जरा ध्यान से सुनिए। अब वो ब्लैकमेलिंग क्या है ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले पुष्प का बयान आता है कि एसआईटी ने उसे एक तस्वीर भेजी थी और उस तस्वीर पर ये कहकर भेजा था, ये सवाल लगाकर भेजा था कि ये तस्वीर वाला व्यक्ति कहीं वनंतरा में आने वाला वीआईपी तो नहीं था। और जब पुष्प खुद ही जो है एक वीडियो डाउनलोड करता है जिसमें वो बताता है कि वो तस्वीर खानपुर के विधायक उमेश कुमार यानी आपकी थी, यानी कहीं ना कहीं जो सरकार है आपको कहीं ना कहीं वीआईपी वाले मामले में फंसाना चाह रही थी, तो फिर उसके बाद आप भी एक वीडियो रिलीज करते हैं, आपकी फेसबुक पेज से हमने ये वीडियो देखा है और उसमें आप साफ साफ कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं ये सरकार षड्यंत्रकारी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर वो षड्यंत्रकारी वही होंगे जो सरकार चला रहे हैं, सत्ता चला रहे हैं, शायद वो भाजपा के भी हो सकते हैं, संघ के भी हो सकते हैं, पर उसके बाद आखिर क्या हुआ कि आप कैलाश विजयवर्गीय के साथ चाय पीने बैठ जाते हैं और चाय पीने के बाद आपका जो है करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शासनादेश भी जारी हो जाता है और आप मौन भी साथ जाते हैं, तो आखिर इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कैसे। इसके बाद माननीय पत्रकार अपने फेसबुक पेज पर डालते हैं कि ये कैसा पत्रकार इस देवभूमि में पैदा हो गया है, ये पोस्ट डालते हैं और उसके बाद धड़ाधड़ उनकी पोस्ट पर ऐसे ऐसे कमेंट आपको पढ़ने और सुनने को मिलेंगे कि वो इस प्रकार से हमें धमका रहे हैं कि हम क्यों ऐसी पत्रकारिता कर रहे हैं, क्यों उमेश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं
बाली पत्रकार उमेश जी क्या लिखते हैं हम आपको पढ़ाते हैं। ऐसे पत्रकार कहाँ पैदा होते होंगे, मतलब कुछ भी चला दो, टीआरपी चाहिए उमेश कुमार के नाम पर, ना खबर का सिर और ना पैर। शासनादेश तो मैंने अपने घर की सड़क बनाने का पास करवाया होगा, जनहित के काम करवाना गुनाह हो गया है। कृपया सवाल ध्यान से सुनिए उमेश कुमार जी, उसका जवाब दीजिए। और जब पुष्प खुदी जो है एक वीडियो डाउनलोड करता है जिसमें वो बताता है कि वो तस्वीर खानपुर के विधायक उमेश कुमार यानी आपकी थी, यानी कहीं ना कहीं जो सरकार है आपको कहीं ना कहीं वीआईपी वाले मामले में फंसाना चाह रही थी। एक उमेश कुमार के समर्थक हैं परमानंद बुलोदी, कुछ दिन पहले इन्होंने जो है उमेश कुमार के साथ फेसबुक में फोटो लगाई थी, लेकिन बाद में जो है आजकल बदल दी है। लिख रहे हैं नए नवेले पत्रकार भाई, वर्षों से हम उत्तराखंड की सड़कों पर उत्तराखंड राज्य के जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष व आंदोलन कर रहे हैं। वर्ष इनका है 2097 से संघर्ष कर रहे हैं और अभी 2097 आया नहीं है, इसको भी हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन में। और ये कह रहे हैं हमने आपको कभी पत्रकारिता करते हुए देखा नहीं है, तो देखेंगे कहाँ से, आप तो उमेश कुमार जी के आगे पीछे लगे हुए थे, कहाँ से दूसरे लोगों को पहचानेंगे। और साथ में ये भी लिख रहे हैं, अच्छी बात है आप पत्रकारिता करें, लेकिन इतनी गिरी हुई पत्रकारिता भी मत करो। अरे किसी सवाल पूछने को आप गिरी हुई पत्रकारिता कहेंगे तो ये कैसे हम लोग इनसे पूछ पाएंगे कि आखिर ये चाय पीने गए क्या थे, सेटिंग क्या करके आए वहां से। वहीं एक रंजत पवार गुज्जर भी हैं जो हमारे एक सवाल पर, कि जब हमने इन्हें कहा कि खबर को जरा ध्यान से देखिए, उस पर ये लिखते हैं, ऐसा है पत्रकार महोदय, पत्रकारों का सम्मान है इसलिए चुप हैं क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए चुप हैं। नहीं तो जैसे आप बार बार ब्लैकमेलिंग शब्द बोलकर विधायक जी के बारे में बोल रहे हो ना, रेल बना देते हम। देखिए कार्यकर्ताओं की क्या सोच है, रेल बना देंगे हमारे, और इनको पता नहीं कि रेल बनाने के बाद इनका खुद का क्या हाल हो जाएगा। भलाई इसी में है शब्दों का और भाषाओं का उचित इस्तेमाल करें, हमने तो सिर्फ सवाल पूछा है। गुज्जर जी आप ये सवाल जरा एक बार उमेश कुमार जी को पूछ लेते कि आप कैलाश विजयवर्गीय के साथ चाय पीने गए कहाँ थे, जब आपका नाम SIT VIP के श्रेणी में रख रही थी, आपको कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी के हत्याकांड में फंसाने का प्रयास कर रही थी। ये सवाल आप एक बार उमेश कुमार जी से पूछकर देखना। ये रीनू चौधरी हैं, भाषा को सोच समझकर इस्तेमाल करो, नहीं तो भाषा हमें इतनी आती है कि समझ में नहीं आएगा पत्रकार जी की गाली दी है या तारीफ की है। हम चुप हैं इसलिए कि हम माननीय विधायक जी का सम्मान करते हैं, वरना जवाब देना भी आता है और जवाब समझना भी आता है। रीनू जी यही सवाल आप एक बार उमेश कुमार जी को पूछना कि आखिर उनका नाम जब वीआईपी में आ गया था तो वो चाय पीने क्यों गए। सौरभ शर्मा कहते हैं घटिया पत्रकारिता जो मुद्दे को गलत दिशा में भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सौरभ जी हम लोग मुद्दे को भटका नहीं रहे, हम लोग ये चाह रहे हैं कि विधायक जी अगर वाकई में अंकिता के लिए न्याय मांग रहे हैं तो उस व्यक्ति के साथ चाय पीने क्यों जाते हैं जिसकी सरकार अंकिता को न्याय देने की बजाय आरोपियों के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। अरे पत्रकार मित्र हैं एक अमित गोदियाल जी, वो कह रहे हैं और सबसे बड़ी बात ADJ लॉ एंड ऑर्डर ने जो पुष्प ने बताया था कि कोई व्यक्ति वहां दिखा था उससे जांच पहले ही करवा ली थी, जो कि हरियाणा के थे, पर क्या करें अपना ज्ञान ज्यादा देना अच्छा लगता है इन्हें। तो गोदियाल जी हमारा सवाल दूसरा था और आप जवाब दूसरा दे रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आगरा की और आप बात कर रहे हैं घाघरा की। वहीं कट्टर समर्थक जिसकी संज्ञा देंगे आकाश वत्स हैं, इन्होंने कई बार गलत सलत बातें बोली है, कहीं ना कहीं इनके संस्कार क्या रहे हैं आप इनके कमेंट से देख लीजिए। इनके चैनल का नाम आंवला न्यूज़ नहीं आंवला चाय पत्ती होना चाहिए था। वहीं ये संदीप प्रधान जी कह रहे हैं शाम को भेजो इसको हवेली पर। अब देखिए आप ये सब हवेली वाला काम जो है ये सब कहाँ चलता था ये भी आप जानते हैं, ये देवभूमि उत्तराखंड को किस दिशा में ले जा रहे हैं। इनके समर्थकों की सोच और विचार से आपको दिख जाएगा। चौहान सचिन कह रहे हैं देख रहे हो विनोद आकाश बस 150 देगा। गोल्डन भाई इसके जैसे टूटियों ने ही पत्रकारिता का नाम खराब किया हुआ है, उमेश कुमार जी ने तो पत्रकारिता जो है निम्न लेवल से टॉप लेवल पर पहुंचा दी थी। कितना नाम इन्होंने किया है आप देख सकते हैं, इनका इतिहास उठाकर एक बार पढ़ लेना। छत्री अचूल चौहान कह रहा है सुखा नशा करके पत्रकारिता कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं इस प्रकार, जबकि हमारे सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वहीं कुलवीर सिंह कह रहे हैं कि आंवला जैसे पत्रकारों के कारण ही आज देश की हालत इतनी खराब भी है, ये सब BJP के एजेंट है। कानपुर विधायक उमेश कुमार जिंदाबाद। कानपुर नहीं है साहब, वो खानपुर है, पहले आप अपनी हिंदी सही करवा लीजिए, उसके बाद आप ये भी देखिए कि आपके उमेश कुमार जी का पत्रकारिता में क्या इतिहास रहा है, कैसा रहा है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। शमशाद रॉयल जी ऊपर वाले ने विधायक की को पोजीशन दी है, इससे ना ऐसे कितनों की रोजी रोटी चलती है सर, आपके नाम से इनका चूल्हा चलता है MLA साहब।
हमारा किससे चूल्हा चल रहा है, इनका कैसे चूल्हा चलता होगा, ये भी आप देख लें। या कमेंट बहुत सारे हम लोग आपको स्क्रीन शॉट में दिखा रहे हैं, उनको आप ध्यान से पढ़िए और इस पर भी अपनी कमेंट बॉक्स पर जरूर राय जरूर दर्ज कीजिए। माननीय विधायक उमेश कुमार जी, जाते जाते आपसे आपसे आंवला न्यूज ये भी चाहेगा कि जिस प्रकार आप सोशल मीडिया में अंकिता भंडारी के न्याय के लिए सक्रिय थे, पटल पर भले ही हम आप दिखाई नहीं दिए, लेकिन सोशल मीडिया में आप खूब न्याय इंसाफ की बात कर रहे थे और सीबीआई जांच की बात उन्हीं मुख्यमंत्री से कर रहे थे जिसमें सरकार ने ये कहा है कि हमारी एसआईटी सही काम कर रही है, उसी मुख्यमंत्री से आप फेसबुक पेज के माध्यम से कर रहे हैं कि सीबीआई जांच करवा दीजिए। तो आप अब जरूरत पड़ गई है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं सीबीआई जांच से मना कर एसआईटी की जांच से संतुष्ट होने की बात कर दिया। तो आपने जो फेसबुक पेज में दर्ज किया हुआ है कि मैं आगे जाकर जो है आपकी मदद करूंगा, तो अब मदद करने की बारी है। शुरुआत आपने करनी है अंकिता के गांव में जाकर, उनके माँ बाप से मिलकर और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कराने तक। तो देखते हैं कि आप में कितना दम है, क्या वाकई में आप फेसबुकिया हैं या वाकई में अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आप ये सब बात कर रहे थे, अब देखने वाली बात होगी। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश आंवला डिजिटल मीडिया तीर्थ नगरी ऋषिकेश देवभूमि उत्तराखंड, ये खबर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स पर थोड़ा तमीज से थोड़ा तरीके से कमेंट कीजिए। ये खास बात हम लोग उमेश कुमार के समर्थकों को कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग सामाजिक व्यवस्थाओं में रहते हैं, हमारी बातों से हमारे संस्कार भी दिखते हैं और हमारे संस्कार ऐसे नहीं होने चाहिए कि कोई उसको देखकर हमारे माँ बापों के बारे में कुछ गलत बात सोचे। धन्यवाद।